हेलो दोस्तों, मैं सुख कुमार विश्वकर्मा हिंदी की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसर्ग ने का प्रयोग स्थल। परसर्ग ने का प्रयोग स्थल यानी परसर्ग ने यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जब कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगता है तो क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार निर्धारित होता है और क्रिया भूतकाल में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। और भूतकाल के यहाँ छह भेद है और यहीं पर जो है भूतकाल के साथ परसर्ग ने का प्रयोग स्थल है, परसर्ग ने का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो है पहले हम देख लेते हैं कि जो है छह भेद में से ये छठा जो भेद है, ये जो अपूर्ण भूत है, इसके साथ जो है वह परसर्ग ने का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन ये जो है सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट, अंग्रेजी की शब्दावली भी दिया हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भूतकाल में कार्य का होना पाया जाता है। सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस, भूतकाल में कार्य का होना पाया जाता है। उदाहरण से समझते हैं, दीपक ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ कर्ता है, कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा है। तो जब ने विभक्ति चिन्ह लगा होता है तो यहाँ कर्म स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर पढ़ी और ये क्या हो गया, भूतकाल में है। दूसरा भेद है आसन भूत, प्रेजेंट परफेक्ट। आसन का अर्थ है निकट, यानी यह वर्तमान काल और भूतकाल दोनों एक दूसरे के निकट हैं। उदाहरण से समझते हैं, विकास ने भोजन किया है। विकास नाम का जो लड़का है वह भोजन करने के बाद वह हाथ धोकर रुमाल से वह पोछ रहा है हाथों को और तृप्ति का डकार ले रहा है। यानी भूतकाल में जो कार्य शुरू हुआ अभी अभी समाप्त होने की सूचना मिलती है। विकास ने भोजन किया, विकास करता है यहाँ पर, भोजन यहाँ पर जो है वह कर्म है, पुलिंग है, तो इसके अनुसार यहाँ पर जो है किया है। जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब यह नहीं कि अब प्रेजेंट टेंस में है, यानी यहाँ हिंदी व्याकरण में जो है आसन भूत जो है वह भूतकाल में आता है। अभी परिभाषा जो बताया गया है कि इस भूतकाल में कार्य शुरू होकर अभी अभी, भूतकाल में कोई कार्य शुरू होकर अभी अभी समाप्त होने की सूचना मिलती है। विकास ने भोजन किया है, यहाँ पर है का मतलब यह नहीं है कि यह जो है वह वर्तमान में है। तीसरा जो भेद है पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट। यानी कोई भी जो कार्य है भूतकाल में, जो कार्य है वह पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है, समाप्त हो गया। राकेश ने, उदाहरण से समझते हैं, राकेश ने ताजमहल देखा था। राकेश नाम का जो लड़का है वह अपने दोस्तों के साथ, वह एक दो महीना चार महीने गया, गर्मी की छुट्टी में वह गया था दोस्तों के साथ और घूम करके वह लौट चुका है। यानी भूतकाल में पूर्ण रूप से कार्य समाप्ति होने की सूचना मिलती है। यहाँ राकेश जो करता है इसके साथ जो ने विभक्ति चिन्ह लगा है, ताजमहल यहाँ पर पुलिंग है और इसके साथ जो है वह कर्ता के साथ जब ने विभक्ति चिन्ह लगा है तो यहाँ देखा था, या जो क्या है पूर्ण भूत काल का है, एक उदाहरण है। तीसरा के बाद जो चौथा जो है वह संदिग्ध भूत, पास्ट डाउटफुल। डाउट है यहाँ पर, संदेह प्रकट किया जाता है। भूतकाल में जो कोई कार्य है वह संपन्न होने में संदेह प्रकट किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। भूतकाल में जो है वह कार्य को संपन्न होने में संदेह है, पुस्तक पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी। इसके बाद है पांचवा जो भेद है वह है हेतु हेतुमद भूत, यानी पास्ट कंडीशनल। कंडीशन है यहाँ पर किसी कार्य के, भूतकाल में कोई कार्य है उसको संपन्न होने में कारण या कोई शर्त पर आधारित है। उदाहरण से समझते हैं, उसने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक देता। यानी उत्तर जो ठीक देने का कंडीशन क्या है कि पुस्तक का पढ़ना। यहाँ भी जो है कर्ता के साथ ने लगा है, उसने है यहाँ पर, उसने, आप जब वह और
ने जब हम लगाते हैं तो वह के साथ जब ने विभक्ति चिन्ह लगता है तो क्या हो जाता है, उसने। तो यहाँ पर जो है हेतु हेतुमत में क्या बताया गया कि कोई भी कार्य है भूतकाल में जो कार्य है उसका जो संपन्न होना जो है किसी कारण या शर्त पर आधारित है। यहाँ भी ने लगा हुआ है, पुस्तक क्या है, कर्म है, स्त्रीलिंग है, इसलिए पढ़ी हुआ, यानी यहाँ पर स्त्रीलिंग है, कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन निर्धारित हुआ। ये जो है छठा जो भेद है, पहले जो बताया गया आपको वीडियो के प्रारंभ में कि अपूर्ण भूत के साथ यानी पास्ट कंटिन्यूअस के साथ जो है कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग, परसर का प्रयोग नहीं होता है। इसमें भूतकाल में जो कार्य जारी होने का पता चलता है, जैसे उदाहरण से समझते हैं कि वह पुस्तक पढ़ रहा था, वह जा रहा था, लड़का दौड़ रहा था, यहाँ पर जो है भूतकाल के साथ, अपूर्ण भूतकाल के साथ, पास्ट कंटिन्यूअस के साथ जो है कर्ता ने प्रसर्ग ने का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रसर्ग ने का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है। प्रसर्ग ने का असंगत प्रयोग, वर्जित प्रयोग है, मैंने लाया या मैं लाया, यहाँ पर क्या होगा, मैंने लाया या गलत है। मैं यहाँ लाना के साथ ने यहाँ जो लगा है, मैं के साथ जो ने विभक्ति चिन्ह लगा है यह असंगत है, मैंने लाया नहीं होगा, मैं लाया यानी जो है यह सही है। और लाना के साथ जब ने विभक्ति चिन्ह लगता है तो असंगत होता है, गलत प्रयोग होता है। इसके बाद है रोहित ने बोला, रोहित ने बोला, कभी कभी हम लोग बोल देते मैंने बोला, उसने बोला, रोहित ने बोला, मोहित ने बोला, तो यहाँ पर जो है वह बोला रोहित के साथ, यहाँ कर्ता के साथ जब ने लगा है तो बोला नहीं होगा, क्या होगा, रोहित ने कहा, तो यहाँ पर जो है गलत है, और रोहित ने कहा, कहा होगा ये सही है, यानी बोलना के साथ जो है ने विभक्ति चिन्ह यहाँ कर्ता के साथ लगता है तो यह गलत है। इसके बाद है उसने भूला, यहाँ जो है उसने लगा है यहाँ पर तो ने लगा है, वह के साथ ने लगा है तो भूला नहीं होगा, ये भी एक गलत है, वह भूला होगा, ये सही वाक्य है, वह भूला, उसने भूला नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है भूलना के साथ जो है कर्ता जो आता है उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद उसने कर सका, तो यहाँ भी जो सका है या क्या है यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर वह कर सका, उसने नहीं होगा, वह कर सका, तो ये सही हुआ, यानी सकना के साथ जो है जो कर्ता आता है उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद है उसने लगा, लगा जो आया है यहाँ पर, यहाँ भी ये गलत है, लगा नहीं होगा यहाँ पर, उसने के साथ जो लगा आया है ये गलत प्रयोग है, उसे लगा होगा ये सही है, यानी जो लगा जो है, लगना जो है इसके साथ जो कर्ता आता है ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद अंतिम है वह है उसने काम कर चुका, यानी जो है चुकना ये गलत है, वह काम कर चुका, यानी चुकना जो है उसके साथ जो कर्ता आता है तो ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो व्याकरण की दुनिया में जो है लाना, बोलना, भूलना, सकना, लगना, चुकना के साथ जो कर्ता होता है उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, असंगत होता है। आज हमने इस वीडियो में जाना कर्ता ने चिन्ह का जो प्रयोग होता है वह भूतकाल के पांच भेद के साथ होता है, लेकिन जो छठा भेद है अपूर्ण भूत के काल के साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। और इसके बाद हमने जाना प्रसर्ग ने का असंगत प्रयोग, लाना, बोलना, भूलना, सकना, लगना, चुकना के साथ कर्ता जो आता है उसके साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। आज बस इतना ही, हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, धन्यवाद।